ड्रग्स मामले की कार्रवाई के तहत एनसीबी ने एक एक्टर की वाइफ को समन किया है। एनसीबी ने नोटिस भेजा है इस एक्टर की वाइफ को और कहा है कि हाजिर हो। आपको बता दें कि इस वक्त एनसीबी की कार्रवाई ऑल ओवर इंडिया में जगह जगह चल रही है। कल एक एक्टर के घर पर एनसीबी ने ड्रग्स मामले में रेड करी थी और आज एक्टर की वाइफ को समन किया गया है। ये एक्टर है विवेक ओबेरॉय। जी हाँ, विवेक की वाइफ प्रियंका अलवा को अब एनसीबी ने समन किया है। इससे पहले एनसीबी की टीम जो है वो प्रियंका अलवा के भाई आदित्य अलवा को भी समन कर चुकी है। बैंगलोर में उनके घर पर छापेमारी भी की थी। आदित्य को एनसीबी अरेस्ट करती उससे पहले ही वो फरार हो गया। पिछले 40 दिनों से एनसीबी आदित्य कहाँ है इसका पता लगाने की कोशिश कर रही है, लेकिन आदित्य जो है वो छिपने में बहुत ही कामयाब हो रहा है। ऐसे में बैंगलोर से एनसीबी की टीम को मुंबई आना पड़ा। कल विवेक ओबेरॉय के घर पर एनसीबी ने छापा मारा क्योंकि उन्हें कहीं से लीड मिली थी कि आदित्य वहां हो सकता है या आदित्य से रिलेटेड अगर ड्रग्स या कुछ भी सामान है वहां से जानकारी मिल सकती है। अब आदित्य का पता लगाने के लिए ही प्रियंका अलवा को समन किया गया है। एनसीबी को जानकारी मिली थी कि कर्नाटक फिल्म इंडस्ट्री के काफी एक्टर्स के लिए आदित्य अपने फार्म हाउस पर पार्टीज ऑर्गेनाइज करता था जहां पर ड्रग्स का सेवन किया जाता था और उसी के तहत एनसीबी ने आदित्य के सब ठिकानों पर छापेमारी करी। आपको बता दें कि आदित्य और प्रियंका के पिता जीवराज एक मिनिस्टर थे और वो काफी इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी थे, लेकिन अब जब आदित्य कहीं अंडरग्राउंड हो गया है तो फिर एनसीबी ने प्रियंका पर निशाना साधा है। प्रियंका को हाजिर होने के लिए कहा गया है, जिसके लिए प्रियंका को कल ही जब एनसीबी की टीम उनके घर पर गई थी छापेमारी करने तभी नोटिस जारी कर दिया गया। तो बॉलीवुड में एनसीबी की छापेमारी जारी है। एक्टर विवेक ओबेरॉय की वाइफ को समन किया गया है। हालांकि ये डायरेक्टली बॉलीवुड का ड्रग मामला नहीं है, साउथ इंडस्ट्री का ड्रग मामला है, लेकिन एनसीबी के शिकंजे दिन ब दिन बॉलीवुड पर कसते जा रहे हैं।